जमीन से 480 फीट ऊंचे और 5000 साल पहले बने इन मिस्र के पिरामिड्स के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। लेकिन एक जगह पर आकर यह रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने एक पत्थर का बहुत बड़ा स्लैब आ गया था। रिसर्चर का मानना था कि इस पत्थर की दीवार के उस पार जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 5000 सालों से दफन है, लेकिन ये राज उनको हर कीमत पर जानना था। इसलिए उन्होंने रोबोटिक कैमरे के आगे एक ड्रिल मशीन लगा दी, जिसने उस पत्थर की दीवार पर बारीक छेद कर दिया। अब इस बारीक छेद से एक कैमरा भेजा गया, जिसने उस पत्थर की दीवार के पीछे एक ऐसा मंजर देखा जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। कुछ लोग सिर्फ यही देखकर हैरान रह जाते हैं कि 5000 साल पहले बने ये पिरामिड कैसे एक ही तरह के बने हुए हैं, कैसे इनके बीच दबी जमीन का लेवल एक बराबर समतल है। ये सब कुछ हैरान करने वाला जरूर है, लेकिन यकीन मानिए, पिरामिड को बाहर से देखने पर अगर आप एक बार हैरान होते हैं तो उनके अंदर देखने के बाद आप हजारों बार हैरान होंगे। अगर आपको पिरामिड का एक लेवल में होना या ऊंचे ऊंचे पत्थरों का इकट्ठा होना रहस्यमय लगता है, तो पिरामिड का सबसे बड़ा रहस्य उन पिरामिड के सीक्रेट चैम्बर्स में छिपा हुआ है। आइए इसके बारे में जरा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति पिरामिड देखता है तब उनके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि इन्हें कैसे बनाया गया होगा, और उसके बाद वो सोचता है कि इन्हें आखिर क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया। इसका जवाब आपको पिछली वीडियो में हम दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि हो ना हो, इस क्यों का जवाब गीजा के पिरामिड में ही मिल जाएगा। वैसे तो मिस्र में 100 से ज्यादा पिरामिड्स हैं, और सब पिरामिड इस तरह से बने हैं कि उन्हें देखकर आपको हैरानी और डर दोनों का एहसास होता है। लेकिन गीजा के पिरामिड वो पिरामिड हैं जिनमें आर्कियोलॉजिस्ट्स को लगता है कि रहस्य का समाधान मिल सकता है। इसका कारण है वो एक्सरे लाइट, जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को ये यकीन दिला दिया था कि गीजा के पिरामिड जरूर कुछ ना कुछ छुपा कर बैठे हैं, जिसे ढूंढा जाना बहुत जरूरी है। अगर शुरू से जाने तो यह कहानी स्टार्ट होती है साल 1879 में। पहली बार आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड की दीवार में एक ऐसा सुराग नजर आया जिसे एक दरवाजे के तौर पर यूज किया जा सकता था, लेकिन वो सुराग बहुत छोटा था। फिर भी उससे जब किसी तरह घुसकर आर्कियोलॉजिस्ट पिरामिड के अंदर पहुंचे तो उन्हें समझ आया कि ये रहस्य सिर्फ बाहर तक का नहीं है। अंदर एलियन भाषाओं में कुछ ऐसा लिखा गया था जिसे ना तो आज तक देखा गया था और ना ही किसी लिंग्विस्ट तक को उम्मीद थी कि इस तरह की भाषा भी होती है। अब तक ना तो मेसोपोटामिया की खोज हुई थी और ना ही सिंधु घाटी सभ्यता को ढूंढा गया था। उस दिन से शुरू हुई आर्कियोलॉजिस्ट की ये खोज आज तक चल रही है, लेकिन इसमें एक माइलस्टोन भी है जिसने इस खोज को एकदम से पलट दिया, और वो खोज है इन पिरामिड का एक्सरे करना। ये एक्सरे इतना जरूरी क्यों था, ये समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि पिरामिड के अंदर सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला। दरअसल जब आर्कियोलॉजिस्ट पहली बार इस पिरामिड में गए तो उन्हें यह समझ में आया कि ये एक तरह की कब्रगाह है, और यहाँ दरवाजे में बड़ी ग्रेनाइट की ताबूत देखकर वो ये समझ गए कि इसे बनाने के पीछे कोई बहुत बड़ा मोटिव होगा। यहाँ से आगे जो कई तरह की खोजें हुई उसमें ये समझ आया कि पिरामिड और दो हिस्सों में बटे हुए हैं, और वो हिस्से हैं किंग्स चैम्बर और क्वींस चैम्बर। ये दोनों ही हिस्से पिरामिड को दो भागों में बांटते होंगे। इस तरह का कुछ अंदाजा पहले आर्कियोलॉजिस्ट्स को था, लेकिन फिर उन्होंने पिरामिड पर एक्सरे किरणों की बौछार मार कर देखा और उन्हें जो नजर आया उससे वो हिल गए। यहाँ सिर्फ क्वींस चैम्बर या किंग्स चैम्बर ही नहीं, बल्कि एक खास तरह का चैम्बर भी मौजूद था जो कि इन दोनों के ऊपर और पिरामिड की नोक के ठीक नीचे था। इसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान रह गए और इसे नाम दिया सीक्रेट चैम्बर। अब समय था इस चैम्बर तक पहुंचने का, लेकिन कैसे, जो चैम्बर इतना सीक्रेट हो कि 100 सालों में पिरामिड के अंदर बाहर होते हुए भी आर्कियोलॉजिस्ट उसे देख नहीं पाए, उस चैम्बर तक कैसे पहुंचा जा सकता था। इसका रास्ता शुरुआत में किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये चैम्बर बाकी के दोनों चैम्बर से इस तरह से लगा हुआ है कि अगर इंसान को वहां तक पहुंचना है तो पिरामिड को तोड़े बिना वहां नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसे में कई सालों तक सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट यहां आते, पिरामिड को रेज के जरिए स्कैन करते और मन महसूस कर चले जाते। गीजा के ये तीनों पिरामिड, चाहे बड़े वाले दोनों हों या फिर छोटा वाला एक, इन तीनों के अंदर ही वो सीक्रेट चैम्बर मौजूद है, और वो सीक्रेट चैम्बर आंखों के सामने होने के बावजूद खोला नहीं जा सकता था। समस्या ये थी कि कोई इंसान वहां पहुंच नहीं सकता था, लेकिन क्या हो अगर कोई रोबोटिक कैमरा वहां भेजा जाए।
यही सोचकर एक रोबोटिक कैमरा बनाया गया और वो बनाने के बाद उसे पिरामिड के बीच बने सुराख में इस तरह से दौड़ाया गया कि वो किंग्स चैम्बर या क्वीन चैम्बर से होते हुए सीक्रेट चैम्बर तक चला जाए। आर्कियोलॉजिस्ट रॉब रिचर्डसन को पहले ये लगता था कि हो ना हो इन चैम्बर्स के जरिए ऊपर जाने का रास्ता जरूर होगा, लेकिन उस रोबोटिक कैमरे को निचले दोनों चैम्बर्स में घुमाने के बाद उन्हें समझ आया कि ये तीनों चैम्बर्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, मगर सीक्रेट चैम्बर तो खोलना ही था, भले ही उसके अंदर इंसान ना जा पाए, क्योंकि एक छोटा सा कैमरा भी अंदर जाकर अपना काम कर सकता था। ऐसे में रॉबर्ट रिचर्डसन ने अपने एक आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त डॉक्टर तेजे च्योंग से बात की और अगले 5 साल वो कुछ ऐसा बनाने में लग गए जो रोबोट भी हो, कैमरा भी हो और साथ में वो पिरामिड को ड्रिल भी कर सके। और इतना सब उन्हें 20 सेंटीमीटर साइज की सीमा में रहते हुए करना था, क्योंकि 1 मिलीमीटर भी बड़ा गैजेट पिरामिड के अंदर ट्रेवल नहीं कर पाएगा। काफी कोशिशें करने के बाद 5 सालों में आखिरकार उन्होंने ऐसा कुछ बना ही लिया। इसे बनाने के बाद उन्होंने उस रोबोटिक कैमरे को किंग्स चैम्बर में फिर से छोड़ दिया और ये उस दीवार तक पहुंच गया जिसके पार सीक्रेट चैम्बर था। यहाँ आकर रोबोटिक कैमरे ने अपने ड्रिलिंग फीचर का प्रयोग किया और साथियों पहली बार हम उस जगह पर थे जिसे सीक्रेट चैम्बर कहा जाता है। इसके अंदर घोर अंधेरा था, लेकिन जब रोबोटिक कैमरे की लाइट की मदद से देखने की कोशिश की गई तो ये नजर आया कि ये जगह भी एक कब्रगाह जैसा ही है जिसमें बहुत बड़े बड़े शब्दों में जमीन के ऊपर कुछ लिखा गया है। दरअसल पुरानी सभ्यताओं में जब भी इंसान किसी दूसरे इंसान के पढ़ने के लिए कुछ लिखता था तो उसे वो दीवारों पर ही लिखता था, जैसे माया सभ्यता के निशान हो या सम्राट अशोक के पाली और संस्कृत लैंग्वेज के संकेत। लेकिन इसे आसमान की तरफ लिखा गया था, जमीन पर लिखा गया था। ये टेक्स्ट उस भाषा में नहीं था जो कि निचली दीवारों पर उकेरा गया था। दोनों भाषाओं के बीच ये अंतर या असमानता बताती है कि लिखा गया टेक्स्ट हमारे लिए नहीं था, तो फिर किसके लिए लिखा गया था? इसका एक जवाब ये भी था कि हो सकता है कि इस टेक्स्ट को यहाँ काम करने वाले मजदूरों के लिए लिखा गया हो। यहाँ तकरीबन 20,000 से 30,000 मजदूरों ने काम किया था और उम्मीद थी कि यह उसी से जुड़ा हुआ कोई इंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के मजदूर भी शाही परिवार का हिस्सा थे, क्योंकि जब उनके स्केलेटन को एनालाइज किया गया तो ये पता चला कि उनकी भी सर्जरी होती थी और उनकी टूटी हड्डियों का इलाज भी किया जाता था। यानी कि जिसे इतनी मेडिकल सुविधा दी जा रही हो वो दास तो हो नहीं सकते। ऐसे में उसके लिए अलग भाषा लिखने की थियरी सटीक नहीं लगती, लेकिन एक थियरी और है जिसमें शायद इसका सटीक जवाब दिया गया है। ये थियरी है ओरायन कलेक्शन थियरी। दरअसल जब भी गीजा के पिरामिड को देखा जाता है तो एक बात नजर आती है, ये पिरामिड ना तो एक ही शेप के हैं और ना ही एक ही लाइन में, जबकि 5000 साल पहले लोग चाहते तो इन्हें एक शेप में भी बना सकते थे और एक लाइन में भी। हालांकि इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना तो था कि हो ना हो इनके बीच कोई पैटर्न जरूर होगा, और ये पैटर्न नजर आया रॉबर्ट बाउवेल को, जिन्होंने देखा कि ये तीनों पिरामिड ओरायन स्टार के बीच में मौजूद स्टार्स की तरह हैं। बीच का स्टार बड़ा होना और बगल का थोड़ा सा छोटा और सबसे कोने वाला स्टार की लाइट डीम होना, इन तीनों ही चीजों को गीजा के पिरामिड में देखा जा सकता है। ओरायंस बेल्ट से इस संबंध को सीक्रेट चैम्बर में लिखी एक अनोखी भाषा ये चीजें बताती हैं कि पिरामिड भले ही जमीन पर हो लेकिन इनका अंतरिक्ष से कोई ना कोई संबंध जरूर है। यह संबंध हमें तब पता चल पाएगा जब किसी तरह से सीक्रेट चैम्बर के अंदर पहुंचकर वहां लिखी भाषा को डिकोड किया जा सकेगा। उसके पहले तो हम सिर्फ ये अंदाजा ही लगा सकते हैं कि आखिर उस सीक्रेट चैम्बर में है क्या और इन पिरामिड को क्यों बनाया गया होगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इन पिरामिड्स को बनाने की क्या वजह रही होगी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।